एमबीएस अस्पताल में निविदा ठेका कर्मचारी की हड़ताल से हालात बिगड़े, जरूरी ऑपरेशन भी टले, जगह जगह गंदगी के ढेर, जरूरी जांच भी नहीं हो पा रही। कोटा शहर के मेडिकल कॉलेज के अधीन कार्यरत ठेका निविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते एमबीएस अस्पताल में मरीजों के जरूरी ऑपरेशन भी टाल दिए गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि यहाँ मरीजों की जरूरी जाँच भी नहीं हो पा रही है। सभी वार्डों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, वहां पर डॉक्टरों द्वारा मरीजों को देखना भी मुश्किल हो पा रहा है। यहां आपको बता दें कि ठेका निविदा कर्मी दो दिन के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। शनिवार को उन्होंने 7 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकालकर अपना विरोध जाहिर किया। एक रेजिडेंट डॉक्टर ने बताया कि इस हड़ताल से सारी व्यवस्था बिगड़ गई है। वार्ड से मरीज को शिफ्ट करना हो या फिर उनको जाँच के लिए लेकर जाना हो, कर्मचारी नहीं है। रविवार को इमरजेंसी में डॉक्टर ने स्वयं सफाई कर अपने बैठने की जगह बनाई। निविदा कर्मी ठेका प्रथा बंद कर राजकीय संस्था से वेतन दिलवाने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल से पेशेंट शिफ्ट करने में दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने में भी दिक्कत आ रही है। गंदगी का आलम फैला हुआ है वार्ड में, वार्ड में बदबू भी आ रही है अभी, और काफ़ी समस्याएं हैं। जैसे दवाइयां, ये गार्ड भी छुट्टी पे हैं, वार्ड बॉय गार्ड सब छुट्टी पे हैं, तो ये हड़ताल टूटने का कोई आसार नजर आ रहे हैं क्या? इसकी जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन वहाँ आप धरने पर बैठे हैं, वहाँ जाके आप डिस्कस करें। तो सबसे ज़्यादा परेशानी गंदगी का आलम है,